बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, ये मनाज़िर हैं आपको पोलिंग कैंप्स के। इस वक्त खारियां कैंट में जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतहाबात हो रहे हैं और यहां इसको दो वार्ड्स में तकसीम किया गया है कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे तमाम जितनी आबादियां हैं सिविल, और दो वार्ड्स में इलेक्शन हो रहा है और यहाँ तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारान खड़े कर रखे हैं, जिसमें PTI है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और क्यू लीग है, और साथ ही साथ ते लाम पे। और जनाब आप देख रहे हैं कि जमहूरियत का हुस्न जो है हमारा, जिसका मुमी तस्करा होता है, आपको ये मनाजर दिखाई दे रहे होंगे कि बिरयानियां और जनाब मुर्ग मुसल्लम और जनाब वोटर्स की खिदमत वो जारी है। और आप देख रहे हैं तमाम बड़ी पार्टियों ने अपने अपने कैंप लगा रखे हैं और इन कैंप पर खाना पीना भी चल रहा है और वोटर्स की जनाब खिदमत हो रही है। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स के ज़ेर तमाम जो आबादियाँ हैं जिनमें आज इलेक्शन हो रहा है, वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। तो ये मेहनत कश लोग हैं जो ज़्यादातर यहाँ तमाम बड़े दफातर में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और घरों में सफाई सुथराई का काम करते हैं। तो जनाब आज उनको VVIP का दर्जा दे रखा है तमाम बड़ी सियासी जमातों ने और खूब आवभगत जारी है जी वोटर्स की, सपोर्टर्स की। आप देख रहे हैं कि रौनकें, और ये पहली बार बताया जा रहा है कि कैंट में इतनी जो है रौनक नज़र आ रही है कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में, क्योंकि इससे पहले ये होता था अमूमन एक या दो बस काबिल ज़िक्र उम्मीदवार होते थे। इस बार तमाम बड़ी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारान को इन इलेक्शन में उतार रखा है और ये जनाब रौनकें हैं पोलिंग कैंप्स की आपको दिखाई दे रही हैं। और अभी 4 बजने वाले हैं और पोलिंग में 1 घंटा बाकी है। देखते हैं कि आज ये जो इक्तदार है कैंटोनमेंट बोर्ड का, कौंसलर की सीट्स का, 2 सीट्स पर इलेक्शन हो रहा है 2 वार्ड्स में, तो ये जनाब कौन सी पार्टी मैदान मारती है। यहाँ खूब रौनक रही पोलिंग से पहले इलेक्शन कम्पेन में, तमाम जो बड़े बड़े लीडराने कराम हैं ज़िला गुजरात के, तमाम बड़ी सियासी जमातों के, उन्होंने खूब अपनी जनाब मेहनत की है। और चौधरी आबिद रज़ा जो MNA हैं इस हल्के से NI-71 से, वो भी इलेक्शन कम्पेन में मसरूफ़ रहे। मूसा इलाही जो कि उम्मीदवार हैं NI-71 से, वो भी उम्मीदवार अपने जो है उनकी हिमायत में कैंट में आते रहे। और साथ ही साथ चौधरी नदीम असगर कायरा जो हैं पीपल्स पार्टी के, ज़िया मोहुद्दीन, वो भी खूब उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन कम्पेन में हिस्सा लिया। तो देखते हैं जी, बस चंद घड़ियां बाकी हैं कि आज कौन सी जमात जो है वो काम